नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी। बता दें कि तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति को सेना की ताकतों, हथियारों और नीतियों से अवगत कराया जाता है। जहां राष्ट्रपति मुर्मू से पहले पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा सिंह पाटिल और रामनाथ कोविंद वायुसेना के फाइटर जेट विमान में उड़ान भर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां सबसे पहले वे सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां से वे तमिलनाडु जाएंगे, जहां पीएम चेन्नई हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो कर्नाटक पहुंचेंगे और यहां कल हुए कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आज हरियाणा भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय गुरुकुलम गुड़गांव में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनकर करेंगे, जिसमें प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भिलाई के शांति नगर दशहरा मैदान और नवीन कॉलेज ग्राउंड में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जिन कैदियों को कोविड के दौरान या पैरोल में अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, उन्हें अब 15 दिन के अंदर सरेंडर करना होगा। जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई ये डेडलाइन आज खत्म हो रही है, ऐसे में तिहाड़ जेल के बाहर सरेंडर करने वाले कैदियों की आज लंबी लाइन देखने को मिल सकती है। योग गुरु बाबा रामदेव आज यूपी के कासगंज पहुंचेंगे, जहां वे आज से शुरू होने जा रहे योग चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करेंगे। इस शिविर का समापन 10 अप्रैल को किया जाएगा। बता दें कि योग गुरु के कार्यक्रम को लेकर शहर में जागरूकता यात्रा भी निकाली गई है। कर्नाटक चुनाव के लिए BJP आज जारी करेगी अपने उम्मीदवारों की सूची, जहां CM बसवराज बोमई ने कहा कि राज्य में सत्ता में फिर से BJP की वापसी होगी। आज झारखंड के सरायकेला में कांग्रेस पार्टी की जन भारत सत्याग्रह सभा का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है और दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार पिछले 3 साल से देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है, जबकि पाकिस्तान के लोग भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जाति आधारित जनगणना के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के ओर से जारी 7 मार्च की अधिसूचना को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की, जहां अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर अदालत को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया, जहां BJP के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि झूठ और प्रपंच से आम जनता को भ्रमित करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार अब न्यायपालिका को भी गुमराह करने लगी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अब पटरी पर आने लगी है और इसे अब गति देने की जरूरत है। पहली बार ऐसा हुआ है जब पावर कॉम को पूरी सब्सिडी दी जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को दिया बड़ा तोहफा, जहां अब 3 लाख रुपए तक आय वालों को मिलेगी बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने काला ढूंगी विधानसभा के लिए लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के जरिए क्षेत्र के बेहतर भविष्य की नींव रखी गई है। झारखंड के दामोदर तट पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब, जहाँ CM हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गज नेता भी हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जयराम रमेश के ट्वीट पर रिप्लाई किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मुंह में राम बगल में छुरी, आपका ऐसा वक्तव्य साफ दर्शाता है कि कितनी मर्यादा कांग्रेस में बची है। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां पिछले एक दिन में 108 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी ने आरोप लगाया कि उनके साथ एक सातिर अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है।
जैसे बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया हो और डिफॉल्टर बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह एक भारतीय नागरिक हैं और कानून का पालन करने वाली नागरिक हैं और उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। कोलकाता एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी माओवादी नेता प्रदीप मंडल को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पिस्टल और गोलियां भी बरामद हुई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि हमारा रुख स्पष्ट है, कांग्रेस छत्रपति शिवाजी के हिंदुत्व के साथ थी और आगे भी रहेगी। गुजरात लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने के बावजूद अधिकतम उम्र सीमा के कारण 26 साल पहले सरकारी नौकरी पाने से वंचित रहे 2 अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी पाने की रही सही उम्मीद खत्म हो गई। जहां अब गुजरात हाईकोर्ट ने इन दोनों की याचिका को निपटारा करते हुए कहा कि इन्होंने भर्ती परीक्षा भले ही पास की है, लेकिन इनकी आज की उम्र के हिसाब से इन्हें नौकरी नहीं दी जा सकती। राजस्थान पुलिस की एक टीम ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के कथित मास्टरमाइंड शेर सिंह मीना का पता लगा लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। जहां महीनों से फरार अपराधी उड़ीसा के कालाहांडी में एक निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर के भेष में छुपा हुआ था। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।